जेएनयू में हुई छात्रों के साथ मारपीट की जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल ने ली है। साथ ही चेतावनी जारी कर कहा कि जेएनयू कैंपस में किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां होने पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की थी, जिसमें कई छात्र समेत शिक्षक भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दंगा भड़काने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया है। इधर हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि छात्रों के साथ मारपीट करने वाले उनके कार्यकर्ता थे। देखिए यह वीडियो। बर्दाश्त नहीं हुई और ऐसी गतिविधियां हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहां कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ इतना गलत बोलना और किस तरीके का इन लोगों का जो है व्यवहार है, कई वर्षों से जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है और ऐसे अड्डे हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले से हम लोग अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। ऐसी गतिविधियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कल की जो जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। हिंदू रक्षा दल भूपेंद्र तोमर पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे, और जो भारत मां के लिए ऐसे काम भी नहीं कर सकता है उसे इस देश में, इस भारत मां के लिए कोई अधिकार नहीं है यहां रहने का। हम लोग अपने देश के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, अपनी भारत मां के लिए, हमारे प्राण हमारी भारत मां के लिए हैं, और जो भी धर्म के खिलाफ बोलेगा हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी ऐसी गतिविधियां करेंगे अगर किसी ने भी ऐसा काम कर। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।